स्टूडेंट्स, आई होप आप लॉकडाउन के इस टाइम पीरियड का अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, अच्छे से स्टडी कर रहे हो, ऑनलाइन गेम्स कम और इंडोर गेम्स ज़्यादा खेल रहे हो। तो आई एम हेयर विद थर्ड पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेवन्थ क्लास, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इनहलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो लेट्स कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द क्लोरोप्लास्ट, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यू कैन सी द डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? दीज आर द स्पेशल सेल ऑर्गेनेलीज विच आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। मतलब एनिमल सेल्स में आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा। दे आर कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर्स ऑफ प्लांट सेल्स। मतलब जो फूड बनता है वो क्लोरोप्लास्ट में ही बनता है। अब अगर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो दो मेम्ब्रेन से सराउंड होते हैं। एक इनर मेम्ब्रेन होती है और एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। और इनर मेम्ब्रेन में आप देख सकते हो स्ट्रोमा एंड थाइलेकोइड्स होते हैं, और थाइलेकोइड्स में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। आपको डायग्राम जो दिखाया गया देख सकते हो आप, ग्रीन कलर का ही दिखाया गया है, ठीक है। तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इस स्ट्रक्चर के बारे में आप हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ोगे। अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की। तो दे आर प्रेजेंट ऑन ईच ऑफ थाइलेकोइड्स। अब क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन की बात करें तो इनका मेन फंक्शन है टू कन्वर्ट द सनलाइट इनटू शुगर्स। सो यू कैन से दैट क्लोरोप्लास्ट अलाउ द कंडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। और क्लोरोफिल की बात करें तो इसका सिंपल सा फंक्शन है टू एब्जॉर्ब द सनलाइट विच आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। तो जैसे ही सनलाइट क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट के ऊपर पड़ती है, लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो केमिकल एनर्जीज है, इट इज़ फाउंड इन कंपोनेंट सच एज द एटीपी एंड एनएडीपीएच। ये एटीपी और एनएडीपीएच एनर्जी करेंसीज होती हैं। मतलब जिस फॉर्म में सेल एनर्जी यूज करती है वो एटीपी और एनएडीपीएच होती है। इसके बाद ये जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं ये स्ट्रोमा में मूव करते हैं और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच हो जाते हैं। तब जाके फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज बनते हैं। हम बात करें कि क्या उन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है जिनका कलर रेड या ब्राउन हो? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि उनमें भी थोड़ा अमाउंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब बात करें जैसे एल्गी की, एल्गी ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जहाँ पे भी मॉइस्चर या पानी खड़ा होता है वहाँ पे एल्गी ग्रो करने लग जाती है। तो एल्गी का ग्रीन कलर भी क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। सो सिंस दे हैव क्लोरोफिल, दे कैन कैरी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये तो बात होगी कार्बोहाइड्रेट्स की कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट कैसे बनते हैं। बट द क्वेश्चन अराइज दैट हाउ डू प्लांट्स जनरेट अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो प्रोटीन एंड फैट्स भी प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की बात करें तो एयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही प्रेजेंट होती है, बट प्लांट्स उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। सोइल में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो एटमोसफियर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और प्लांट्स उनको उसी फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं। तो इसके साथ जो हम फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं उसमें भी सोइल में नाइट्रोजन ऐड हो जाती है, मतलब सोइल में मिक्स हो जाती है नाइट्रोजन, जिससे प्लांट उसको यूज़ कर लेते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन प्लांट्स कैन आल्सो प्रोड्यूस्ड प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। अच्छे से आपको पढ़ना है, अपना ध्यान रखना है।